बॉलीवुड एक्टर आर माधवन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। एक्टर ने बॉलीवुड के अलावा तमिल फिल्मों में भी काम किया है, इसलिए एक्टर को पैन इंडिया स्टार भी कहा जाता है। एक्टर आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। अभिनेता का जन्म 1 जून 1970 को झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। इनका पूरा नाम रंगनाथ माधवन है, जिसमें रंगनाथ उनके पिता का नाम है। अभिनेता होने के साथ साथ वो एक लेखक, निर्देशक और होस्ट भी है। आप इस बात से वाकिफ ही होंगे कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने दम पर पहचान बनाई है। एक्टर शुरुआत से ही पढ़ाई में तेज थे, जहां वो पढ़ाई के बाद आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन किस्मत के चक्कर में वो कुछ ऐसे फंसे कि एक्टर बन गए। लेकिन इससे भी ज्यादा तगड़ी उनकी लव स्टोरी है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक्टर ने अपनी ही स्टूडेंट के साथ शादी की है। आज एक्टर के जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनकी लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। आर माधवन ने कॉलेज में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग की क्लास शुरू की थी। इस दौरान उनकी पत्नी सरिता ने उनकी क्लास में एडमिशन लिया था। इस क्लास के दौरान ही सरिता को एयर होस्टेस की नौकरी लग गई थी, जिसके बाद सरिता आर माधवन को शुक्रिया कहने के लिए डिनर पर ले गई। बस यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई और कुछ ही दिनों में दोनों की दोस्ती के बीच प्यार आ गया। एक इंटरव्यू के दौरान माधवन ने कहा था कि सरिता मेरी स्टूडेंट हुआ करती थी। उन्होंने मुझे एक बार डिनर के लिए अप्रोच किया था। मैं एक सांवला सा लड़का था, मेरे लिए उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मैंने हाँ कर दी, जिसके बाद हमारी दोस्ती शुरू हुई और फिर हमने करीब 8 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी कर ली। माधवन और सरिता का एक बेटा है, जिसका नाम वेदांत माधवन है। बता दें कि शादी के बाद ही आर माधवन ने फिल्मों में डेब्यू करने की सोची थी। शुरुआत में उन्होंने कई एड्स में काम किया, जिसके बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे। आर माधवन की फिल्मों की बात करें तो एक्टर ने साल 2001 में डायरेक्टर गौतम मेनन की फिल्म रहना है तेरे दिल में से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद साल 2000 में फिल्म अलाई पे उठे से उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में एंट्री ली। आर माधवन ने बॉलीवुड में अब तक रहना है तेरे दिल में, रंग दे बसंती, रामजी, लंदन वाले, 13 बी, 3 इडियट्स, तनुवेट्स मनु और तनुवेट्स मनु रिटर्न्स जैसी फिल्मों में काम किया है और हर फिल्म में उनके काम की तारीफ की गई है। वैसे आपको आर माधवन की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी सुनते रहिए द न्यूज इंडीज, एक अलग नजरिया खबरों का।